इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू आई जीरो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू और वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस दोनों के बीच अगर आप फेस डायग्राम बताओ तो ये फेस डायग्राम आपके सामने ऐसे बनेगा। देखिए ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका बी सी हो जाएगा, ये आपका पाई बाई यानी कि बी सी आई से पाई बाई टू। ठीक है, तो ये है आपका ये, तो इसके बीच अगर आप फेजर डायग्राम बनाएंगेगा तो आप ये बनाइए पाई बाई टू आई बी सी। यहां पे क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस आई ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बी जीरो साइन ओमेगा टी। यानी कि ओसूल ये है कि किसी एसी सोर्स को अगर आप इंट्रोड्यूस करो कंटेनिंग सर्किट में तो वीसी और आई के बीच पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा और वीसी आई से लैग बिहाइंड होगा, कितना होगा पाई बाई टू। आप दूसरे तरीके से भी फेज डायग्राम को आप इंडिकेट कर सकते हो, जैसे ये है आपका ठीक, ये आपका आई है, ये आई जीरो है, ये आपका ओमेगा टी है। ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है, ये वी जीरो सॉरी, ये आपका वी जीरो है, ये ओमेगा टी है और यहां से ये आपका आई जीरो हो जाएगा, ये इससे पाई बाय टू डिग्री फेज डिफरेंस लीड कर रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी I जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ से आपका V। तो ये फेज डिफरेंस को इंडिकेट करने का तरीका है, पहले आप V जीरो लिखोगे फिर V जीरो से पाई बाई टू डिग्री क्या लिख कर रहा है I लिख कर रहा है तो इसको आप ऐसे इंडिकेट करोगे। ठीक है, समझ में आया, ओके बेस्ट ऑफ लक। Thank you.